barbarian. Dave the barbarian. Bada pargarto. Whiskey, pehne, fang or candy. Ek princess hai, ek chimp. Mata pita raja rani, nam desh ka udrogot. Shaitano se ladne nikle aur candy hai ab. Boss. Fish, fang or candy. Bilkul nakara hai. Par hum bhi kya kare. Nahi aur koi chara hai. Barbarian, papa, barbarian, papa. हमारी कहानी शुरू होती है उद्रोगोत की तबाही से, जिसकी वजह है डार्क लॉर्ड चकल्स द सिली पिगी। डरो, ताकतवर चकल बोट की ताकत से डरो। चकल बोट, अब मैं जाकर कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? पपी को कोई नहीं मारेगा, मैं यहाँ सेफ हूँ। पपी के पीछे छुपने से नहीं बचोगे। पपी तुम्हें नहीं बचाएगा। बोल करो फैंग, ठीक है, ये लो खाना खाओ। बड़बड़िया को दूर ही रखो। मैं बड़बड़िया नहीं हूँ। खाने ने मेरी कीमती मशीन के पुर्जे खराब कर दिए। शुक्र है चकलबॉट के पास इंजेक्शन सीट और पैराशूट है। ये तो अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं। वो बड़बड़िया कहीं की? बड़बड़िया नहीं हूँ। मेरी नन्ही सी जीव। चकल चारों तरफ बर्बादी कर रहा है और तुम हो कि तुम एक पपी के पीछे छुपे हो। देव, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। पता है, मैंने खुद को बचाने के लिए इस प्यारे पपी की जान को खतरे में डाल दिया था। मैं सचमुच डरपोक हूँ। डर, इसलिए सब तुम्हें कहते हैं डरपोक डरपोक डरपोक। नहीं कहेंगे, अब से सब मुझे डरपोक के बजाय कहेंगे बहादुर डेव। तुम्हारे पीठ पर एक मकड़ी है। हटाओ उसे, हटाओ उसे, हटाओ, जल्दी हटाओ। जो गॉड के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास जाता है, मतलब बुद्धिमानों में से एक की। ओके, सबसे ठेंगों में से एक। तो तुम्हें हिम्मत चाहिए? हाँ, जादू की बड़ी किताब में देखते हैं, लिखा है हिम्मत के पहाड़ से कूदकर जादुई हिम्मत पाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं। सिर की हिम्मत में नहा कर, आगे हिम्मत का लाल स्वेटर पहनकर। बैंगनी लाल तो नहीं है ना? ओके ओके, करूंगा। वो स्वेटर कहाँ पर है? स्वेटर की जगह के लिए देखिए पेज 492। ये लो, ये रहा। इस स्वेटर को पहनकर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। पुराना डेव गायब हो जाएगा, लेकिन उसकी यादों का क्या होगा? अरे अब पहनो भी ना समझ। कमाल है, मुझे नहीं लग रहा है डर, नहीं लग रहा है डर, खतरों पर मैं हंस रहा हूँ। डेव बहुत अच्छा है। अच्छा है, क्या अब हम? क्या हम? लेकिन तुम, मैं? अच्छा, हंस लिए? लगता तो ऐसा ही है। कोई खतरा ढूंढकर हिम्मत वाला काम करना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। हुर्रे, डे बहादुर है। डे डेव और फैंग वो सब खतरनाक काम करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें फैंग हमेशा से करना चाहती थी और डेव जिनसे डरता था, जैसे कि वैगन से लड़ना। बुरे किलों को तोड़ना। ऐसा मत करो, अभी पेंट किया है समझे। और सबसे ज्यादा खतरनाक काम, महिलाओं के कपड़ों पर ताने कसना। मैडम, आपकी एड्रेस कुछ खास अच्छी नहीं है। और हाँ, डेव का परिवार बहुत खुश है उसकी इस नई हिम्मत से। मैं बहुत खुश हूँ डेव, तुम बिल्कुल वैसे ही हिम्मत वाले ताकतवर तोड़ू हो जैसा मैं चाहती थी। और ड्रैगन स्केल से बनी ये बेंच बहुत प्यारी है। और ड्रैगन स्केल की ये म्यान भी बहुत अच्छी है। ड्रैगन हॉर्न का हैट भी तो है। आप लोग खुश हैं तो और क्या चाहिए, और खतरा लूंगा मैं, खतरों से खेलूंगा।
लगता है डेव को खतरों का चस्का लग गया है और अब वो बनने वाला है समझदार बहादुर से एकदम ना समझ। ओ, कितना प्यारा स्वेटर तुमने। मैं इसका बदला लूंगा। अरे थैंक्स, थोड़ा पसीना आ रहा था मुझे। मेरा कंबल मैं जरूर लूंगा, अपना चश्मा, अपनी प्यारी स्पोर्ट्स कार, अपना अपना बदला, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। लिफ्ट के लिए शुक्रिया दोस्तों, सॉरी सफर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छे लोग हैं, मुझे इनके लिए चॉकलेट की बास्केट भेजनी होगी। बॉक्सर्स, बहुत बढ़िया। ये शॉर्ट्स क्यों दिए लंबो? इसे पहनोगे तभी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर पाऊंगा। साफ साफ शब्दों में बता दिया, कहाँ भागे डेव द बारबेरियन, जल भूनकर वहीं राख हो जाओगे, समझे? जल्दी ही डेव के नासमझी वाले कारनामों से सब नाराज हो गए। सब नाराज हो गए। अब डेव द बारबेरियन, माफ कीजिएगा, तुम क्या तुम डार्क लॉर्ड जगल द स्लीपी की नहीं हो? और तुम हो बुरे जादूगर मेल स्क्वेंडो। बिल्कुल सही पहचाना, और आपकी हंसी सबसे ज्यादा डरावनी हंसी है। तो तुम कॉजमीर हो? अच्छा, तो सब कुछ कैसा है? ठीक ही है। पता है हमें क्या करना चाहिए? मिनी गोल्फ, मिनी गोल्फ। हमें एक हो जाना चाहिए डेव द बारबेरियन और इस बेकार से पुराने किले को बर्बाद करने के लिए। हम सब साथ हैं और सब बदला लेंगे। बढ़िया डरावनी हंसी है, सबसे ज्यादा बढ़िया। और हमारे हीरोज के तीन सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन उड्रुगोत को बर्बाद करने में जुट जाते हैं। चकल्स हॉग स्वाइन बोर का जादुई तावीज इस्तेमाल करता है, मॉल्स क्वांडो जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता है, और कॉजमीर अपने भयानक धधकते थूक का इस्तेमाल करता है। क्यों तुम कुछ ढूंढ रहे हो स्वीटी? मैं देख रहा हूँ। मिल गया। सर काफी कुछ गुजार रहा है। ऐसा मत करो, वहाँ मेरा दिमाग है। डेव, तुमने क्या किया था? मैंने चकल्स, माल्स क्वांडो और कॉजमीर को एक साथ बुलाया उत्तरगोत पर हमला करने के लिए। अब यह है ना कुछ खतरे वाली बात। जी हाँ, खतरा। हम गए काम से, कोई इन तीनों को नहीं हरा सकता। ये डेव इस बला को टाल सकता है। शायद मेरी ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, समझे? नॉर्मल डेव तो कुछ बढ़िया काम करके भला टाल देता है, लेकिन ये बहादुर डेव तो पीट पीट कर लगता है कचूमर बनने तक लड़ता ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, वो ना समझ रही है। ओके, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इसे फिर से नॉर्मल करना होगा। हमें हिम्मत वाला लाल स्वेटर फाड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये काम तो बेहतरीन स्वेटर पहनने वाला ही करेगा। कैंडी ऊन का एक सिरा पकड़ती है और स्वेटर उधड़ने लगता है। ये बार बार वापस आता है। मजा आ रहा है क्यों मिस्टर ऑक्टोपस? हाँ, सच कहा क्वाजी। ओके, हम टीम में काम करेंगे, अलग अलग हो जाओ। जल्दी कुछ सोचो जिससे हम बुरे लोगों को हरा सके। बुद्धू हो क्या? वो तीनों एक साथ है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उन्हें कोई हरा सकता है तो वो है वो खुद। तुम्हें अभी अभी कोई आइडिया आया था है ना? हम बस उन्हें एक ही तरीके से हरा सकते हैं, कागज की ताकत से। मुझे चाहिए कागज, पानी, गोंद और पेंट। बहुत सफाई से डेव उन कागजों से बनाता है तीन मुखौटे। अब सुनो, हम ये करने वाले हैं। मेल स्क्वेंडो, डेव का पता चला? मुझसे बातें मत करो मेरे नन्हे प्यारे बर्गर। नन्हे? तुम्हें कीमत चुकानी होगी। वाह, तुमने
तुमने मेरा मजाक उड़ाया। बदबूदार। क्या कहा? बदबूदार, तुम्हें खत्म कर दूंगा। I'm sorry, कैसे खलनायक हारेंगे? नहीं, मुझे बस बिल्लियां पसंद है। तुम? और मेरा प्लान पूरा हुआ। डेव, कहना तो नहीं चाहती लेकिन तुम डरपोक और कायर ही ज्यादा अच्छे हो। तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। थैंक्स फैंग, मैं तो तुम्हारी गर्दन पर मकड़ी है। मकड़ी नहीं, रुको, एक धागा है। धागा हटाओ। क्वाज़मिर से कहना मम्मी के घर जा रहा हूँ। देव धरती की सबसे ज्यादा डरावनी ताकत का सामना करता है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा लेकिन आज गालरोस लड़की आपसी जलन पता है, उसे शायद उस लड़की पर दया आ गई होगी, है ना? क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर है और इसके लिए चुनौती बन। लेकिन देव को किशोरावस्था वाली जलन से ही नहीं निपटना है, उसे पूरे परिवार का ध्यान रखना है। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे चोट लगी। प्यार कर लो ना। शुक्रिया, मुझे जाना होगा। मुझे भी। बाय। सुनो, मेरा क्या होगा? सब चले गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। उन्होंने वादा किया था वो मेरे साथ पपेट शो देखेंगे। मैं इसे पपेट बस्तर से लाया हूँ और आधी रात तक वापस भेजना है। मैं यहाँ सबके लिए करता हूँ, सबके लिए, और कोई मुझे थैंक यू भी नहीं कहता है। उन्हें बस अपना ही ख्याल है अपना। सबको मुझसे बस उम्मीद है और मैं बस थोड़ी सी तारीफ चाहता हूँ। क्या वो मेरा हक नहीं है? बोलो लूला। हाँ लूला, 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 मैं क्या करूँ? दुखी तो तुम हो ही, तो फिर बस रोने धोने का पॉप सॉन्ग बना लो। ओह, आइडिया अच्छा है। बहते हैं आंसू रहते, जाने हो क्या क्या सहते, किसी से क्यों नहीं कहते, चुपचाप आंसू बहते, तारीफ करता ना कोई ना कोई, रोने की वजह ये ही है, हाँ यही, जीवन में है कई झमेले, ऊपर से तुम हो अकेले, यही यही। म्यूजिक वीडियो खत्म होने वाला है और डेव अचानक चला जाता है टाइटंस, टाइटन मिडोस, उड्रोगोथ का एक हिस्सा, वहां रहते हैं सिर्फ जायंट्स। ओलाला, डैडी देखिए कितना क्यूट है। बहुत ही प्यारा है। पकड़ मजबूत है, हाथ से थपथपाना अच्छा है, आराम मिल रहा है और मुझे नींद आ रही है। डेविड, बारबेरियंस नींद में नहीं झूमते। डैडी, क्या मैं इसे रख लूं? पता नहीं फेबी। वादा, ये फर्नीचर पर नहीं जाएगा डैडी। तो ठीक है, अगर इसने सोफे पर हाथ भी रखा तो समझो ये गया, मतलब GONE, गॉन। और इस तरह ताकतवर डेव द बारबेरियन कमजोर सा पेट बनकर रह गया। नो, फीवी के हाथ से खाना खाता है, घूमने जाता है और अजीबो गरीब स्वेटर पहनता है। तुम्हारा नाम है मिस्टर स्वीटी सोरस क्यूब गोल मटोल। शर्म की बात है डेविड, क्या तुम्हें उस जायंट शरारती को सबक नहीं सिखाना चाहिए, या तुम्हें दिमाग है ही नहीं? हाँ वो तो है। आई लव यू फीवी। मुझे उल्टी आ रही है। वश में करती है वो भले ही, तारीफ करती है पर वो, बात अजीब बेशक है ये, पर तुम लगते ही काफी खुश हो ये। इसी बीच म्यूजिक से बहुत दूर डेव के परिवार को ढाल में कुछ काले का शक हो रहा है। मुझे चोट लगी है। एक मिनट, किसी चीज की कमी है यहाँ? मुझे तो लगता है मुझे अपने जादुई गोले में देखना पड़ेगा।
उफ़ो, और मैंने कहा नहीं, तो उसने कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, फिर भी उसने कहा हाँ 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 मानो भी, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, उसने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं, उसने कहा हाँ, उसने कहा हाँ, उसने कहा हाँ, मैंने कहा अरे मैं क्या देख रहा हूँ, देव चला गया? नहीं गया, वो यहीं पर है। देव हवा में गायब हो गया। अब ख्याल आ रहा है कि मैंने देव को एक हफ्ते से नहीं देखा, वो आखिर क्या कर रहा है? ओ, मेरे जादुई ताकतवर क्रिस्टल बॉल, देव कहाँ है? उसे जायंट्स ने कैद किया है, उन्होंने उसे ट्रेन भी कर लिया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जायंट्स? मतलब वो टाइटन मेडोज में है? चलो टाइटन मेडोज में। हमारे हीरोज चारों तरफ देव को ढूंढते हैं। वो रहा। रुको गंदे जायंट, अपने कैदी को छोड़ दो। दाढ़ी वाले अंकल फनी बातें करते हैं ना गुलमटो? हाँ बिल्कुल फीबी। देव, हम तुम्हें भयानक जायंट से बचा रहे हैं। ये जो भयानक जायंट है उसे मेरी परवाह है, वो मेरी तारीफ करती है, दूसरे लोगों की तरह तो नहीं है ना ये? ये तुम्हारी बात कर रहा है। समझा। ओ, समझी। हाँ। अब अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी मालकिन के साथ घर जाऊं। टाटा। क्या ये सच है कि हमने डेव के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और वैसे भी क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? टाइटंस ने डेव को फुसला लिया है, उसे वापस लाने का एक ही तरीका है। एक बड़ा मैकेनिकल जीव बनाए जो हमारे दुश्मनों को कुचल दे। ओके, दो तरीके हैं, एक अपनाया जा सकता है और वो है कि टाइटंस को मुकाबले के लिए ललकारे। हमारे पालतू जानवर के सामने आपका पालतू जानवर, विजेता को सब कुछ। ठीक है। ओके, पता है तुम जीतोगे तो हम तुम्हारे होंगे, मैं, मेरी दो भतीजियां और एक ड्रैगन। एक और बात, आपको एक शानदार सूटकेस भी मिलेगा जिसे किसी ने बनाया है, और अगर आप अभी ऑर्डर देंगे तो आपको मिलेगा मछली से मिलता जुलता पाइन कॉन। अरे भाई वाह, ठीक है। ये नहीं हो सकता, फैफी देव को नहीं हरा सकता, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। सही कहा, हमें उसकी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। किसे? कौन मिलेगा हमें? कौन? कौन मिलेगा? कौन? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है? आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। हमारी बाईं तरफ है डेव, 175 किलो के गुलाबी पेट वाले बारबेरियन, और हमारी दाईं तरफ है फैंग, 12 किलो की बड़बड़िया। बड़बड़िया नहीं हूँ। अपनी अपनी जगह संभालिए, इस मुकाबले में रफ्तार और फुर्ती का ही कमाल है। तुम नहीं जीत सकते। लेकिन ये महीने का दूसरा मंगलवार है, इसलिए मुकाबला होगा कला का। जी हाँ, जे फैंक को कला के हर क्षेत्र में हराता है। पॉटरी, टैप डांस, और हाँ मुंह बनाना। ये ठीक नहीं, इसने एलर्जी का सहारा लिया। लेडीज एंड जायंट मैन, आज के विजेता हैं। वाह, देखा क्या हो रहा है, हम सब कैदी हो गए हैं, मेरे पास ना ही शैम्पू है, और खाने के लिए भी सिर्फ ये डॉगी वाला बेकार सा खाना है। इसे कौन खाएगा? मत करो मेरी तारीफ, अब पता चलेगा। डेविड, समझा करो, इन लोगों ने तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये मुकाबला क्या किया है तुम्हें? तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी आजादी खोई। तो तुम्हारा मतलब, सॉरी मैं ये नहीं समझता। अरे कम अक्ल, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम ना समझ नहीं बड़े ना समझो। ओह माय गॉश, तुम सही हो, मैं यहाँ बैठ के आरामदेह जिंदगी बिता रहा हूँ, और मेरा परिवार वहाँ पर मेरे बिना परेशान हो रहा होगा, मुझे अपनी भूत सुधारनी पड़ेगी। काश मैं उन्हें यहाँ से आजाद करा सकूँ। अगर इसने सोफे पर हाथ रखा तो गया काम से। जीओ एनी गॉन। ओके, आइडिया मिल गया। सॉरी, समझ गया। जब वो हमें सोफे पर देखेगा तो हमसे छुटकारा पाना चाहेगा, और फिर हम आजाद होंगे। मेरा सोफा किसने छुआ? हमने, हमें अब आप बाहर फेंक देंगे, है ना? नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि कोई सोफे पर बैठेगा, तो वो गया काम से। गॉन मतलब गया। फीबी बचाओ, तुम अपने डॉगी को प्यार करती हो ना? No, मेरे पास अब एक नया पेट है। हेलो कहो मिस्टर पिगी सॉरस क्यू चकल बॉटम। मैं पेट नहीं हूँ, समझ गए तुम? मैं तो थप थपाना आराम मिल रहा है।
जब मैं बोलूं तो दाहिनी तरफ मुड़ना। क्या बोलोगे? मैं कहूंगा सासफ्रास। मुड़ो। अरे मेरा सोफा बिगाड़ू लोगो। अच्छा काम किया डेव। थैंक्स। दरअसल मैं देखो डरो मत, मैं यहाँ तुम सबकी मदद के लिए मौजूद हूँ। तुम सबको हमने सुरक्षित जगह पहुँचाने का इंतजाम किया है। आपको हमारा ज़ेप्लिन ज़ेंट्रोपिया पोर्ट पे पहुँचा देगा। वहाँ आपको लोरेटा नाम का बोलिवियन सर्कस एक्रोबैट मिलेगा। वो तुम सबको वहाँ से बाहरी उंटिंजा की सुरक्षित जगह पर पहुँचा देगा। या फिर मैं टैक्सी बुला देता हूँ। टैक्सी में घूमने के बाद वादा करते हैं हम तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे। हमने कभी अपना प्यार तुम्हें नहीं दिखाया, लेकिन हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है। इसीलिए तुम्हारे लिए ये लाए हैं। हे वाह, यकीन नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें आपको डिनर में चाहिए? हाँ, और दरवाजों के नॉब्स को भी कसना है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, डिनर तो बस तैयार ही है। ओकी डोकी, मैं काम शुरू करता हूँ। पर पहले मुझे बस थोड़ा सा खुश होने की जरूरत है एक पपेट शो को देख कर। Ha 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 ha